हमारे दोस्त काफी निकम्मे थे। हाँ, एक बार प्रॉक्सी लगाई थी, फिटनेस बचाया था। होली वाले दिन एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरा। हमारे फ्रेंड्स के साथ इट्स फ्रेंडशिप डे हर दिन ही होता है। अरे नहीं नहीं आंटी, पूरी रात यहीं पढ़ रहा था। अब भी वॉशरूम से निकलेगा ना, मैं अब भी आपकी बात कराता हूँ उससे। याद आ गया, ये तो सारे दोस्तों ने कराए, मतलब हमारी जान दोस्त नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। तो मैंने सोचा मैं दिल्ली से पूछ लेती हूँ कि आपने अपने दोस्तों के साथ मिलके क्या उल जलूल इधर उधर की क्रेजी हरकतें करी है। और फ्रेंडशिप्स डे है यार, मतलब थोड़ा सा तो बनता है ना। फ्रेंडशिप डे आ रहा है ना अभी। व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग दैट यू हैव डन फॉर अ फ्रेंड और फ्रेंड हैज डन फॉर यू? घर वाले से मतलब बचा देते थे दोस्त तो। एक बार प्रॉक्सी लगाई थी, एक लड़की थी, इसको मालूम चला कि मेरा क्रश है। उसके पास गया और बोलता कि है क्या आपको मालूम है इसको आप पे क्रश है? तो बोलता कि नहीं। तो ये बोलने का आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए। सो वन टाइम लाइक माय एक्स बॉयफ्रेंड हिट हिम बिकॉज़ उसने मेरे ऐसे शोल्डर पे हाथ लगाया था एंड वो मेरे सस्पेंड हो गया था। एंड उसने किसी को, टीचर को कुछ नहीं बताया था कि ये बात हुई थी एंड वो सिर्फ सस्पेंड हो गया था। मेरे मैम ने सस्पेक्ट कर लिया था कि जो मेरे दो फ्रेंड्स हैं और मेरा कुछ चल रहा है। हमें ऑफिस रूम में बुलाया गया था एंड कमेंट्स पास किए गए थे, बहुत कुछ हुआ था। सो आज भी हम उसको याद करके हंसते हैं कभी। सो या मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती तो मेरे फ्रेंड्स थे जिनको ये पता चला कॉलेज में, तो देवर लाइक वो रात को 12 बजे सारे आए और मैं ऐसी थी कि ये हो क्या रहा है, आधों को तो मैं जानती भी नहीं इनमें से। तुम इतनी बड़ी मतलब पूरा ग्रुप ले आए हो तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने कहा तू कभी बर्थडे नहीं मनाती, अब चाहे हम तेरे दोस्त आगे तक नहीं रहे, मतलब सबका अलग अलग हो जाएगा, बट हमेशा तेरा बर्थडे हम ही मनाएंगे। सबसे क्रेजी चीज़ जो मुझे बचपन की याद है वो ये थी कि हमारा बस स्टॉप जो होता था वहाँ पे एक हॉन्टेड सा घर था, वहाँ पे लोग रहते थे बट हम लोग उसे हॉन्टेड कहते थे क्योंकि कोई बाहर दिखता नहीं था। तो हम लोग उसकी घंटी बजा के भागना बहुत पसंद करते। नमक पारे मेरे को उसकी मम्मी के हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं, उसने सीख के स्पेशली तल के मेरे को दिए क्योंकि मैं आयरलैंड में रहती हूँ, तो उसने मुझे पूरा डब्बा दिया कि खाएगी। ही हैज कम फॉर मी फ्रॉम ऑल टुगेदर आईटी कानपुर टू माय प्लेस ऑन माय बर्थडे। एटीएम डोर बेल ऑफ माय हाउस रैंग लाइक हैप्पी बर्थडे एंड आई वाज लाइक यू केम फ्रॉम देयर। मेरी एक पूरी ट्रिप झूठ थी, मैंने एक नंबर था जो मैंने किसी लड़की के नाम से सेव किया, फिर मैंने घर वालों को भेजा और मैंने एक पूरा फेक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली मैं ट्रिप पे गई थी पर वो सब कुछ झूठ था, पर वो था तो मेरे पास हर चीज़ का बैकअप था। आई हैड अ फ्रेंड ताकि मम्मी कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, फिर ट्रू कॉलर पे उसका नाम चेंज करवाया गया निकिता डेली, वो अभी भी निकिता डेली है। या सो लाइक एवरीथिंग लाइक आई गॉट ड्राउन। मैंने एक कपल की बहुत ज़्यादा उनको सुना दिया, हमारा झगड़ा होने वाला था, मुझे वहाँ से बचाया गया। मेरे घर पर कोई नहीं था उस दिन, मैंने उनकी मीटिंग वगैरह करवाई थी, देन तब तक मम्मी आ गई थी तो बेचारे सारे उथल पुथल। तो उसका बीएफ था, उसको हम छुपा रहे थे, वो था इतना बड़ा जो छुप नहीं पाया। लास्ट में उसको अपने बाथरूम में छुपाया और मम्मी ने क्या करा, सीधा जैसे आई चप्पल उपल उतारी बाथरूम में का ही दरवाज़ा खोल दिया पूरा, बट वो ऐसा था ऐसा अटक रखा था बिल्कुल स्टिक करके, तो हमारी सबकी हार्ट बीट गए। तो मैं अपनी मम्मी को खींच के ले गई, मैं वो देखो बाहर देखो ये। जल्दी से उसको भगाया फिर जाके थोड़े सांस। मैंने मेरा दोस्त था ना वो क्या घर गया हुआ था, हम हॉस्टल लाइफ में रहते थे और उसकी तरफ से मैंने किसी एक लड़की को प्रपोज कर दिया था। जब वो वापस आया तो मतलब एकदम खतरनाक ऐसे शॉक हो गया कि उस लड़की मतलब हंस रही है उसके सामने, वो सोचता क्या हो गया। उसको 10 दिन तक हमने बताया नहीं कुछ भी और उसके बाद उसकी सेटिंग हो गई और आज ब्रेकअप भी हो गया। मेरा पेपर के पेजेस, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था, असाइनमेंट सबमिशन डेट थी और मुझे नहीं पता था, उसने मेरा रजिस्टर मेरे बैग से निकाला, सारे पेजेस फाड़ दिए, अपने रजिस्टर में लगा दिए और जब मैं चेकिंग करा तो रजिस्टर खाली था। तो ये मेरे साथ काफ़ी बुरा हुआ था और उसका रजिस्टर जो है वो सबमिट हो गया, चेक भी हो गया। मैंने कहा इट्स माई शीट, तो वो कहता बेस्ट फ्रेंड में चलता। इतनी सारी अटरम शटरम कहानियाँ सुन के अपनी भी कोई कहानी तो आपको याद आई गई होगी। सो टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट योर स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप इज। कुछ तो क्रेजी करा होगा कभी ना कभी। एंड वैल्यू एट इट, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू इंडिया टाइम्स।